अरे बच्चों, आज कक्षा 11 जीव विज्ञान में हम सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका विभाजन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोशिका के साइटोप्लाज्म और केंद्रक में घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन जब कोशिका की वृद्धि होती है तो उसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक का संबंध टूट जाता है। तब जो कोशिका होती है दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसे हम सेल फॉर्मेशन, कोशा निर्माण या सेल डिवीजन कहते हैं। सेल फॉर्मेशन, कोशा निर्माण या सेल डिवीजन कहते हैं। इस तरह से कोशिका विभाजन होता है और मातृ कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है। तो सेल डिवीजन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है माइटोसिस या सोमाइटिक, या इसे माइटोटिक डिवीजन। दूसरा है मियोसिस या रिडक्शन या मियोटिक सेल डिवीजन। तीसरा है फ्री सेल फॉर्मेशन। चौथा है बडिंग मुकुलन। पांचवा है ए माइटोसिस। तो इतने प्रकार का सेल डिवीजन होता है। पहला माइटोसिस या इसे सोमैटिक डिवीजन भी कहते हैं या इसे माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। समसूत्री विभाजन या दैहिक विभाजन इसे कहते हैं। दूसरा है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, इसी को रिडक्शन डिवीजन या मियोटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। तीसरा है फ्री सेल फॉर्मेशन, स्वतंत्र कोशिका निर्माण, या इसे दूसरा। चौथा है बडिंग मुकुलन और पांचवा है ए माइटोसिस, सूत्री विभाजन। इतने प्रकार का सेल डिवीजन होता है। अब पहला है इसमें माइटोसिस सेल डिवीजन। क्या है माइटोसिस? पहला है माइटोसिस सेल डिवीजन। समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन की खोज W.M. फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 में पौधों के जो वृद्धि
करते हुए भाग होते हैं, जैसे तने के शीर्ष और जड़ों के शीर्ष वाले भाग में इन्होंने सबसे पहले इसको देखा और इसी के द्वारा पौधों में या जंतुओं में वृद्धि होती है एवं विकास होता है। ये दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है, इसीलिए इसको सोमैटिक सेल डिवीजन कहते हैं। अब इसमें एक प्रवस्था आती है इंटरफेज। इंटरफेज वह प्रवस्था है जो कोशिका विभाजन के पहले पाई जाती है। इस अवस्था में कोशिकाएं विभाजन के लिए तैयार होती हैं, इसीलिए इसको इंटरफेज कहते हैं। अब इसमें दो बार विभाजन होता है। माइटोसिस में एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। माइटोसिस में पहला कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है भाग इसका साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियन मींस न्यूक्लियस, केंद्रक, यानी पहले केंद्रक का विभाजन होगा और जब केंद्रक का विभाजन हो जाएगा इसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। तो केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस और इसके बाद कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब जो विभाजन होता है, विभाजन में पहले इंटरफेज अवस्था आती है। इंटरफेज अवस्था विभाजन के पहले की अवस्था है और इसमें क्रोमैटिन इसके न्यूक्लियोप्लाज्म में निलंबित रहते हैं। क्रोमैटिन जो पतले पतले धागे जैसी रचना होती है न्यूक्लियोप्लाज्म में निलंबित होते हैं। ये सेल वॉल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोलस केंद्रिका है, ये पतले पतले धागे ये न्यूक्लियोप्लाज्म में विलंबित होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। और इसमें जब वृद्धि और विकास होता है तब जाकर के सेल डिवीजन प्रारंभ होता है। तो इसमें कई प्रवस्थाएं हैं। पहला है प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज और फोर्थ है टीलोफेज। चार उपप्रवस्थाएं आती है। अब पहला जो प्रोफेज है, प्रोफेज काफी लंबी प्रवस्था होती है, इसे हम पूर्वावस्था कहते हैं और इसको समझने के लिए कई चरणों में बांटते हैं। तो पहला है अर्ली प्रोफेज, फिर मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। तो प्रोफेज अवस्था में जो इसके क्रोमैटिन होते हैं वो धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं और स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं और ये एक दूसरे पर लिपटे होते हैं, इसीलिए इसको स्पायरिंग अवस्था कहते हैं। और ये एक दूसरे पर लिपटे होते हैं और गुणसूत्र के रूप में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा एक दो तीन चार लिए थे, तो यहाँ पर एक दो तीन चार। तो जो गुणसूत्र होता है, आप गुणसूत्र के बारे में पढ़े हैं, गुणसूत्र में
क्या होता है, जैसे ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, एक और दो, और ये सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे के समान होते हैं, तो दो अर्ध गुणसूत्र सेंट्रोमियर से जुड़ करके गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, और ये दोनों सूत्र एक दूसरे पर लिपटे रहते हैं, इसीलिए इसको स्पायरिंग अवस्था कहते हैं। अब जो गुणसूत्र होता है और संघनित छोटा होता जाता है, और इसके चारों तरफ मैट्रिक्स पदार्थ जमा हो जाता है, चारों तरफ मैट्रिक्स जमा हो जाता है, और लेट प्रोफेज में क्या होता है, गुणसूत्र अस्पष्ट हो जाते हैं, और इसकी जो केंद्रक कला है ये डिसअपीयर लुप्त हो जाती है, और इसका जो केंद्रिका है, केंद्रिका भी डिसअपीयर, ये न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं, और इस तरह से ये प्रोफेज अवस्था अब धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और इसके बाद इसमें स्पिंडल का निर्माण होने लगता है। मेटाफेज अवस्था में स्पिंडल का निर्माण होगा, क्या होगा, स्पिंडल तर्क का निर्माण होता है। प्लांट सेल में जो स्पिंडल होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं, और फिर इसमें स्पिंडल में एक ऊपरी जो सिरा होता है इसको हम नॉर्थ पोल, नीचे वाले को साउथ पोल कहते हैं, और मध्य में इक्वेटर, मध्य रेखा कहलाती है। अब जो गुणसूत्र होता है वो मध्य रेखा पर आकर के स्थित हो जाते हैं, तो इसका जो सेंट्रोमियर होता है वो मध्य रेखा पर होगा, सेंट्रोमियर मध्य रेखा पर होगा, और इसकी जो भुजाएं होती हैं वो पोल की ओर होती है, या तो उत्तरी पोल या तो दक्षिणी पोल की ओर होती है। इसके बाद जो इसका सेंट्रोमियर होता है, जहां से अर्धगुणसूत्र जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर से कुछ तंत्र निकले होते हैं जिसे टेक्टाइल फाइबर कहते हैं, और यह तंत्र उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से जुड़े होते हैं। इसके बाद कुछ और इसमें सपोर्टिंग फाइबर होते हैं, सहारा देने वाले तंतु होते हैं, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से आपस में जुड़े होते हैं। तो मेटाफेज स्टेज में जो गुणसूत्र होता है वो मध्य रेखा पर आकर के स्थित हो जाता है, और इसी मेटाफेज अवस्था में जो सेंट्रोमियर होता है वहां से अर्ध गुणसूत्र पृथक होने लगते हैं, अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होने लगते हैं। जैसे ये अर्ध गुणसूत्र है, एक दूसरे से पृथक होने लगते हैं, क्योंकि अब पृथक होंगे तभी अर्धगुणसूत्र एक दूसरी पोल की ओर जाते हैं। अब इस तरह से मेटाफेज अवस्था में जो गुणसूत्र होता है मध्य रेखा पर आ जाते हैं, और यहाँ पर सेंट्रोमियर से अर्धगुणसूत्र पृथक होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, और अगली एनाफेज में जो अर्धगुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, यानी कि इसमें अर्धगुणसूत्रों में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण के नाते एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, और जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर टेक्टाइल तंतु होते हैं वो अर्धगुणसूत्रों को अपनी अपनी ओर खींचने लगते हैं, जिससे जो अर्धगुणसूत्र होता है वी यल की
सेब या वी और यल का सेब धारण कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे गुणसूत्र के बीच में रिपल्सन होता है और टेक्टाइल स्टम सिकुड़ने लगते हैं, जिससे अर्धगुणसूत्र आधे उत्तरी ध्रुव की ओर आधे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने लगते हैं। इसे हम अर्ली एनाफेज कहते हैं। इसके बाद लेट एनाफेज में ये जो अर्धगुणसूत्र होते हैं ये और दूर उत्तरी ध्रुव की ओर और बढ़ जाते हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर और नीचे की ओर आ जाते हैं। इस तरह से ध्रुव की ओर पहुंचने लगते हैं। और टीलोफेज में ये जो अर्धगुणसूत्र होते हैं उत्तरी आधे अर्धगुणसूत्र उत्तरी ध्रुव की ओर और आधे दक्षिणी ध्रुव की ओर पहुंच जाते हैं। और इस तरह से लेट टीलोफेज में जब गुणसूत्र आधे उत्तरी आधे दक्षिणी ध्रुव की ओर पहुंच जाते हैं तब इसमें क्या होता है, पुनः केंद्रक कला बन जाती है। केंद्रक कला बन जाएगी और केंद्रिका अस्पष्ट दिखाई देने लगती है और जो गुणसूत्र होते हैं अब इसी में निलंबित हो जाते हैं। इस तरह से टीलोफेज के अंत में हम देखते हैं कि एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है। इसके बाद फिर आता है आप केंद्रक का विभाजन हो गया। इसके बाद साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका द्रव्य के विभाजन के लिए क्या होता है कि इसमें अगर मान लीजिए ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में दो केंद्रक बन गए हैं, ठीक, तो कोशिका द्रव्य के बीच बीच में गाल्गी काय से कुछ वेस्किला के मध्य में इकट्ठा हो जाती है और इस तरह से इसको फ्रेग्मोप्लास्ट कहते हैं और यही बाद में मिडिल लैमेला में बदल जाती है और इस तरह से इसके ऊपर सेलुलोज जमा होने लगता है और ये सेल वॉल में बदल जाती है और इस तरह से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। और जंतु कोशिका में, जैसे जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और जब कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तब इसमें क्या होगा, जैसे ये दो केंद्रक है तो इसमें इनवैजिनेशन होता है। क्या होगा, इनवैजिनेशन अंतर्वलन, यानी कि यहाँ पे गुब्बारे की भांति धकने लगती है और धीरे धीरे दोनों यहां से पृथक हो जाती हैं और दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। इस तरह से केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य के विभाजन में अंतर होता है, क्योंकि पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है जो कठोर होती है, उसमें फाइब्रोब्लास्ट मध्य में बनता है, जबकि जंतु कोशिका में ये बाहरी जो कला होती है प्लाज्मा लेमा ये अंतर्वलन से इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस समसूत्री विभाजन का महत्व। समसूत्री विभाजन पौधों और जंतुओं के सोमैटिक सेल दैहिक कोशिकाओं में होता है और इसी के द्वारा पौधे और जंतुओं में वृद्धि होती है। दूसरा महत्व है कि समसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तीसरा है कि पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के बराबर होती है। तो ये मेन इम्पोर्टेंस है। इसके बाद
समसूत्री विभाजन का समय समसूत्री विभाजन आधे घंटे से 2 या 3 घंटे के बीच में पूरा होता है। अगर टेम्परेचर एक सीमा तक बढ़ाएं तो सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया है वो तेजी से बढ़ती है। इसमें कुछ माइटोटिक पॉइजन होते हैं, विष होते हैं, जो समसूत्री विभाजन को अवरुद्ध करते हैं, जैसे एजाइड्स, क्या है एजाइड्स है, इसके बाद चेलांस और मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस होती है, ये समसूत्री विभाजन को अवरुद्ध कर देते हैं। जो कैल्सीन होते हैं वो जो ये एनाफेज में जो स्पिंडल होते हैं, तंतु होते हैं, उनको तोड़ देते हैं। जब तंतु को तोड़ देंगे तो जो अर्धगुण सूत्र हैं वो ध्रुवों पर नहीं जा पाएंगे, अंत में एक ही केंद्रक में रहते हैं। इस तरह से इसमें गुणसूत्रों की संख्या 4n हो जाती है, टेट्राप्लॉयड हो जाती है। और जो मस्टर्ड गैस होती है, मस्टर्ड गैस गुणसूत्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, तो सेल डिवीजन अवरुद्ध हो जाता है। इसके बाद इसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो कोशिका विभाजन को बढ़ा देते हैं, जैसे साइटोकाइनिन और स्टीरॉयड, साइटोकाइनिन एंड स्टीरॉयड, ठीक। इस तरह से ये कोशिका विभाजन को उत्तेजित करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक बाद में बताया जाएगा। धन्यवाद।